यही है हमारी जिंदगी। आजादी से लेकर अब तक कितनी सरकारें आई और गई, पर हम गरीबों को क्या मिला? संघर्ष, उपेक्षा और आर्थिक तंगी। रोजी रोटी कमाने की जद्दोजहद में ना कभी आगे बढ़ने का मौका मिला, ना रास्ते, ना ही कभी सपने देखे, ना किसी ने दिखाने की कोशिश की। पर जब से गरीबों के बीच पैदा हुए एक सेवक ने देश की कमान संभाली है, गरीबी क्या होती है उसका दर्द उसके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। तभी तो गरीबी को पूरे देश से कैसे मिटाया जाए उस प्रयास में दिन रात लगे हुए हैं। पहले जनधन और अब प्रधानमंत्री के हाथों शुभारंभ हुआ मुद्रा बैंक, यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। जिसमें रेडी पटरी लगाने वाले और बेहद छोटे कारोबारियों को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिला, बैंकिंग तंत्र से ऋण उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 के बजट में की थी। I therefore propose to create a micro units development refinance agency, Mudra Bank, with a corpus of 20,000 crores and credit guarantee corpus of 3,000 crores. The Mudra Bank will refinance microfinance institutions through a Pradhan Mantri Mudra Yojana. In lending, priority will be given to SC/ST enterprises. और अब ये सपना साकार हो रहा है। ये जितने बड़े बड़े उद्योगों की हम चर्चा सुनते आए हैं, उसमें सिर्फ 1,25,00,000 लोगों को रोजगार मिलता है। 125,00,000 देश में 125,00,000 लोगों को रोजगार, ये जो बहुत बड़े बड़े लोगों जिनके लिए दुनिया में चर्चा रहती है, आधा अखबार जिनसे भरा पड़ा रहता है वो देते हैं। लेकिन इस देश में छोटा छोटा काम करने वाला व्यक्ति करीब 5,70,00,000 लोग, 12,00,000 लोगों को रोजगार देते हैं। उन 125,00,000 रोजगार देने वाले लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं सक्रिय है, लेकिन 12,00,000 लोगों को रोजगार देने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी हम मदद करें तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। और इस 5,75,00,000 जो एक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो स्वरोजगार एक प्रकार से हैं, दर्जी होंगे, कुम्हार होंगे, टायर का पंक्चर करने वाले लोग हैं, साइकिल की रिपेयरिंग करने वाले लोग हैं, अपनी एक ऑटो रिक्शा लगा करके काम करने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले, गरीब गरीब लोग हैं, उनका पूरा जो कारोबार है उसमें ज्यादा से ज्यादा हिसाब लगाया जाए तो 11,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा उसमें पूंजी नहीं लगी है। यानी सिर्फ 11,00,000 करोड़ रुपयों की पूंजी लगी है, 5,75,00,000 उसका नेतृत्व कर रहे हैं और 12,00,000 लोगों का पेट भरते हैं। ये बातें जब सामने आई तो लगा कि देश में स्वरोजगारी के अवसर बढ़ाने चाहिए, देश की इकोनॉमी को ताकत देने वाला जो नीची पायरी पर जो लोग हैं उनकी शक्ति को समझना चाहिए और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और इस मूल चिंतन में से ये मुद्रा की कल्पना आई है। मुद्रा 50,000 से लेकर 10,00,000 तक की लोन देगी, वो भी 3 अलग अलग श्रेणियों में। बहुत छोटे स्तर के इकाइयों के लिए 50,000 तक, थोड़े बड़े स्तर के लिए 50,000 से 5,00,000 तक और सबसे ऊपरी स्तर पर 5,00,000 से 10,00,000 तक। इतना ही नहीं, गरीब उद्यमियों को एक मुद्रा कार्ड भी दिया जाएगा ताकि कभी भी किसी भी आपात स्थिति में उन्हें साहूकारों के चंगुल में ना फंसना पड़े और जब भी पैसों की जरूरत हो
वो इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कम दरों पर। मुद्रा की शुरुआत होगी सिडबी के जरिए, जो पिछले 25 सालों से देश में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फंड करती आई है, जिसके साथ और अनुभव को लेकर मुद्रा चलेगी अति लघु इकाइयों तक और उसका साथ देगी माइक्रो फाइनेंसेस यानी MFI, SHG, सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कंपनी आदि बहुत सारी कंपनियां। अब मुद्रा बनेगी गरीबों के मेहनत की कुंजी, पूंजी बनेगी सफलता की कुंजी। और ये सब संभव हो रहा है मोदी सरकार के मात्र 10 महीने के शासन में। ये छोटे छोटे उद्यमी भी देख सकेंगे अपनी तरक्की के सपने, भारत के विकास के सपने, देश का हर तबका सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।